अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं बिन्यामीन फ्रॉम फ्रंटियर एंटरप्राइजेस। आज हम आपके लिए ओरिजिनल डिवॉल्ट की एक प्रोडक्ट लेके आए हैं। आपको अनबॉक्स करके दिखाता हूं, पहले मैं और खुद आप देखें क्या चीज़ है। ये है जी ओरिजिनल डिवॉल्ट की ब्रांड न्यू, कॉपी शॉप ही हमारे पास नहीं होती, ये ओरिजिनल डिवॉल्ट की ब्रांड न्यू 12 वोल्ट मैक्स कॉर्डलेस ड्रिल्स है। अच्छा जी, अगर इसकी बात की जाए, सबसे पहले बॉक्स के अंदर आपको कुछ बुकलेट्स मिलेंगी। यहाँ पे DCD710 इसका मॉडल है, और उसके बाद अगर देखा जाए वारंटी कार्ड इंक्लूडेड है, जो कि पाकिस्तान में ऑब्वियसली क्लेम नहीं होगा क्योंकि ये बाहर वाली है। ये देखें आप, शू भी इसका इंग्लैंड वाला शू लगा हुआ है। और उसके बाद हम देखते हैं हम प्रोडक्ट की क्वालिटी क्या है। ये है जी हमारी DCD, आगे मॉडल में पढ़ के बताया तो 710 इसका जो मॉडल है, ये है जी हमारी ड्रिल। बिल्ड बड़ी स्मार्ट सी ड्रिल है, दरमियाना साइज़ है, ज़्यादा बड़ी नहीं है, इजी टू हैंडल है, बहुत ग्रिप जो है बहुत अच्छी है इसकी। और इस तरफ अगर देखा जाए, यहाँ पे मॉडल नंबर लिखा हुआ है, यहाँ पे दोबारा देख सकते हैं DCD710 12 वोल्ट मैक्स 10 mm की ड्रिल है। इसका चक लगा हुआ आगे, RPM एडजस्टेबल है इसका, 400 से लेके 1500 RPM पर मिनट दे रहा है ये। और ये इसके आगे एक छोटी सी यहाँ पे लाइट भी दी हुई है, अगर आप काम कर रहे हैं कोई तो आपको नज़र आ सके आप कहाँ पे होल्स कर रहे हैं, पेज कौन से खोल रहे हैं। इसके बाद देखते हैं, इसके अंदर आपको दो बड़ी क्यूट सी बैटरीज मिलेंगी। ये इसकी बैटरीज हैं, लिथियम आयन 2 एम्पेयर की इसकी बैटरीज हैं, ये आप बैक से भी देख सकते हैं। दो अदद बैटरी इसके अंदर इंक्लूडेड है, एक 12 वोल्ट का इसके अंदर ये देख सकते हैं चार्जर दिया हुआ है, जिसका मॉडल है DCB112। ये 12 वोल्ट चार्जर है। और बैक साइड पे अगर देखें चार्जर के, आप यहाँ पे देख सकते हैं मेड इन थाईलैंड, और 220-240 वोल्ट है, 0.5 एम्पेयर दे रहा है आउटपुट, जो दे रहा है सॉरी 2 एम्पेयर दे रहा है, इनपुट 0.5 ले रहा है ये, और 22 वोल्ट तक मैक्स जाता है ये। अब अगर बात की जाए, इसको हम एक को बहुत आसानी से आप स्लाइड कर सकते हैं, जस्ट इसको स्लाइडिंग करके प्रेस करेंगे तो ये लग जाएगी बैटरी, और ये इधर पुश बटन दिया हुआ है, इस बटन को आप प्रेस करके दोबारा स्लाइड आउट कर सकते हैं। अब इसके अंदर फीचर आपको बता दूँ, सबसे पहले इसके अंदर दो स्पीड्स दी हुई हैं, आप देख सकते हैं, ये एक स्पीड है स्लो है, ये नंबर 2 है ये फास्ट है। ब्रश टेक्नोलॉजी है ये। और बात की जाए, इसके अंदर एडजस्टेबल टॉर्क भी दिए हुए, प्लस ड्रिल है, यानी कि ये स्क्रूज़ के लिए भी चलेगी, प्लस प्लस आपकी ड्रिल के लिए भी चलेगी, ये दोनों ऑप्शन इसके अंदर है। एक चीज़ और इसके अंदर बहुत अच्छी दी हुई है जी, साथ इसके आपके ये होल्डर भी दिया हुआ है, ताकि आप इजीली इस होल्डर से, आप लॉन्ग होल्डर एक्सटेंशन है ये बेसिकली, आगे आपने अगर बिट्स लगानी है अगर, तो ये इजीली इसमें मैग्नेटिक है ये, और आपने जस्ट इसके अंदर ऊपर रखनी है और यूँ इसको प्रेस करेंगे तो ये लग जाएगी। वापस निकालने के लिए थोड़ा सा जोर लगाना पड़ता है क्योंकि मैग्नेटिक है, बहुत ज़बरदस्त किस्म की चीज़ है। साथ इसके 4 बिट्स हैं, 2 प्लस हैं, 2 माइनस हैं, ये बिट्स भी इंक्लूडेड हैं इसके अंदर। और अब ड्रिल की थोड़ी सी आपको बता दूँ फीचर के बारे में। और अब इसको पहले हम चलाते हैं टॉक्स पे, ये देखें मैंने स्लो पे लगाया है, ये टॉर्क है इसका, ये 1 पे था, 1 से इसको 5 पे ले जाते हैं तो अच्छा टॉर्क है, ये 6 पे, बल्कि 6 से अगर हम इसको ले जाएं 11 पे, 11 काफ़ी भारी टॉर्क होता है, बड़ी बड़ी मशीनें बैठ जाती है, ये देखें काफ़ी हार्ड होता है। अब जब मैं इसको 15 तक इसके टॉर्क हैं, और उसके बाद अगर मैं इसको ड्रिल पे लेके आऊँगा तो अब ये नहीं पकड़ सकते आप किसी भी सूरत। पावरफुल मशीन है काफ़ी, इसकी टेस्टिंग भी अगर मैं कोशिश करता हूँ हम कर सकें। अच्छा जी, टेस्टिंग के लिए हमने यहाँ पर एक छोटा सा प्लेटफॉर्म बनाया है, कुछ हम स्क्रूज लाए हैं, ये हमने ड्रिल रखी है, अटैचमेंट आके लगा दिए, प्लस वाला मैंने ये लगाया। स्क्रूज में हमारे पास हैं जी 1 इंच का स्क्रू है, 1.5 इंच का है, और ये तो बहुत बड़ा है, ये तो 2.5-3 इंच का एक स्क्रू है। जो स्पेस हमारे पास अवेलेबल है जी, अवेलेबल स्पेस है, ऊपर मैंने लकड़ी रखी है, प्योर वुड रखी है, नीचे शीट वैसी रखी है मैंने, तो इसकी पावर भी हम देख लेते हैं। हमारे पास 2 इंच की है बस हाइट जिस पे हम काम कर सकते हैं, तो सबसे पहले हम सबसे बड़ी ही वैसे में लगाने की थोड़ी सी कोशिश करूंगा, पहले इसको थोड़ा थोड़ा फंसा लेते हैं, उसके बाद ये छोटा वाला इससे होगा ये, इसको भी हम थोड़ा सा फंसा लेते हैं, ये रह जी।
मैंने सिर्फ दो स्क्रूज लगाए हैं और दोनों को हम अब टाइट करके टॉर्क लगाते हैं हम इसकी 9 पे। हम देखते हैं अब ये क्या करता है। सबसे पहले छोटा वाला हम स्क्रू देखते हैं लगा के, ये दो साइज का पता भी नहीं लगा मशीन को कि किधर गया स्क्रू हमारा, पर मेरी डबल है शीट तो इसलिए मेरे से दबाना पड़ता है, दबाना में पता नहीं, ये भी नहीं पता लगा किधर गया, नीचे से बाहर आने लगा। ये आप देख सकते हैं, ये देख लें बहुत पावरफुल है। 9 पे तो स्लिप भी नहीं हुआ मेरे ख्याल से, ये 5-5, 6-6 इंच के भी आपके स्क्रूज, प्लस जो मेरे ख्याल से ये काम करेगी आपके जो बोल्ट्स होंगे वो भी काफ़ी हद तक ये करेगी, तकरीबन आप कह सकते हैं 10 mm के साइज तक का बोल्ट भी आपका खोलेगी। ये थी जी इस मशीन की टेस्टिंग, थी अच्छी पावरफुल मशीन है। हाँ 18 वोल्ट से कंपेरिजन अगर करें तो 18 वोल्ट जो है उससे थोड़ी सी कम पावरफुल है, उतनी नहीं है क्योंकि उसके वोल्ट ज़्यादा है, ओबियसली ज़्यादा पावरफुल होगी। तो ये इसका पैकेज है पूरा, ये अभी अवेलेबल है फिलहाल, हमारे पास बहुत थोड़ा सा स्टॉक है और बहुत जल्दी इंशाल्लाह स्टॉक आउट हो जाएगा। तो उससे पहले पहले जिस जिसको चाहिए ये इस टाइम अवेलेबल है, आप हमसे बाय कर सकते हैं। तो ये थी जी आज की वीडियो हमारी, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, आगे फर्दर शेयर कीजिए और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज़।